हेलो दोस्तों, गुड नाइट। तो अभी रात का समय है, बज रहे हैं 1:30 और मैं नींद नहीं आ रही थी काफ़ी, मतलब कोशिश कर रही थी सोने की पर नींद नहीं आ रही थी। तो अभी उठी हूँ, सोची क्या करूँ, कुछ अजीब सा हो रहा था दिल में। तो अभी पारुल पापा नहीं आए हैं, इंतज़ार भी कर रहे हैं, नींद भी नहीं आ रही और माइंड में हलचल सी मची हुई है। तो देख सकते हैं अभी बादल गरज रहे हैं रात में और बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है, काफ़ी बादल गरज रहा है। अभी पारुल पापा नहीं है दोस्तों, देखते हैं कितने समय तक, वैसे 2 बजे के लगभग आ जाते हैं, किसी दिन जल्दी किसी दिन लेट, ज़्यादातर लेट में ही आते हैं। पारुल सो गई हैं और हमें नींद ही नहीं आ रही, काफ़ी देर से मोबाइल चला रही थी, उसमें भी दिल नहीं लगा तो सोचा आप सभी से बातें करती हूँ, कल ब्लॉग हो सकता है डालें। कई बार ब्लॉग थोड़ा बहुत बनाए फिर डाली नहीं दोस्तों, कुछ दिल ही नहीं करता करने का, समझ सकते हैं आप सब, लाइफ पूरी बदल चुकी है, दिल नहीं करता कुछ करने, बस मेन काम करती हूँ, बस वही हो करके, बस यहाँ वहाँ बैठना, कभी लेटना, यही सब चल रहा है दोस्तों। अभी देखते हैं, कोशिश करती हूँ फिर से लाइफ अच्छी हो, पर अच्छी कहाँ होने वाली है दोस्तों। बस कुछ एक ही बात थे इसे कही, अब आप सभी से भी कितनी देर बातें कर सकती हूँ देखूँगी, कल सुबह हो सकता है आप सभी से कंटिन्यू ब्लॉग करने की कोशिश करते पर नहीं कर पा रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी तो वेट ही कर रही हूँ पारुल पापा का, देख सकते हैं बादल काफ़ी गरज रहे हैं इधर से खिड़की से, अभी नहीं दिख रहा है, रुक के है वो, देख लाइट चमक रही है। तो दोस्तों फिर सुबह मैं आप सभी से मिलूँगी, तो गुड नाइट। आप सभी तो सो ही रहे होंगे पर मैं जग रही हूँ, बना रही हूँ ब्लॉग, कल आप सभी को देखने को मिलेगा। क्या बोल रहे हैं क्या नहीं दोस्तों समझ में नहीं आ रहा, जैसा रहेगा एडजस्ट कर लेना। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पारुल ब्लॉग्स में। तो अभी सुबह का समय हो चुका है, देख सकते हैं हमारा खाना बन चुका है, 8 बजने वाले हैं और खा भी चुकी हूँ, और यहाँ पे फ्रिज का सारा पुर्जा निकाल के रखी हूँ क्योंकि हम फ्रिज इसको साफ करने वाली हूँ। इधर फ्रिज का कवर भी रखा है और फ्रिज काफ़ी गंदी हो रखी थी काफ़ी दिनों से नहीं साफ की, तो अभी साफ करना है, चल रहे हैं सूती कपड़ा लाने फिर साफ़ करूँगी। यहाँ पे फ्रिज में से आम भी निकाल के रख दी हूँ, जैसा कि जानते हैं आप आम का सीज़न चल रहा है तो आम तो रहेगा ही घर पे, चल रही हूँ अभी सूती कपड़ा लेने। आज फ्रिज में बोतल नहीं रखी पानी का, सब बाहर रखी हूँ, अभी साफ करूँगी, उसके बाद जो है उसमें रखूँगी, कवर भी धुलना है उसका। तो आप लोग ब्लॉग वीडियो पे बने रहिएगा, मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद आप सभी से। देख सकते हैं दोस्तों सारा काम फिनिश हो गया है, फ्रिज भी बिल्कुल क्लीन कर दी हूँ, साफ करके अंदर बाहर पूरा अच्छे तरीके से साफ कर दी हूँ, देख सकते हैं कैसी लग रही बाहर है और अंदर में, अंदर वाली कवर लगा दी हूँ, उल्टा करके देख दिखाती हूँ, ये उस तरफ डिजाइन बने थे तो काफ़ी दिन की कवर हो गई तो खरोंचा सा लगा हुआ था, तो उसको उल्टा करके बिछा दी हूँ, और इस पे जो ऊपर में कवर थे वो जो है अभी धुल के डाली हूँ, सूखा नहीं, वो प्लास्टिक का है अंदर का, इसी वजह से सूख गया है, और ऊपर वाला कवर अभी नहीं सूखा तो सूख जाएगा तो फिर डालूँगी। उसमें थोड़ी सी सिलाई भी टूटी है तो सिलाई भी करना है, अभी मशीन नहीं सूख रही हूँ, देख सकते हैं कि इतनी गंदी हो रखी है,
तभी सिलाई करूँगी, तो जो है साफ करूँगी मशीन। फिलहाल अभी दोपहर हो चुकी है तो चल रही हूँ रेस्ट करने। और हमारा ब्लॉग वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।